जी बिल्कुल। देखिए फिर मैं कह सकता हूँ बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा किया, फिर हमने थोड़ा स्लिप आउट हो गए, और बैटिंग में आई थिंक पाकिस्तान ने जैसे बॉलिंग की है दे आउट प्लेड अस, और हमने पुअर शॉट्स खेले हैं, और ये है कि हमने जो प्रेशर है वो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए पूरे स्टेज पे, हमें ऐसे फील हुआ। तो देखिए हमारा हमारे लिए तो ये लर्निंग है, और इंशाल्लाह कि अगली बार अगर मौका मिला ऐसे तो आई एम श्योर कि हम अच्छे प्रिपेयर होके आएंगे। देखिए ऑफ कोर्स पिचिंग में तो फ़र्क था ना, इधर की पिच थोड़ी सी लो स्लो है, उधर की अच्छी विकेट थी थोड़ी, मगर देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयरों को तो वो क्या नाम है एसेस जल्दी करना चाहिए, हमने ये नहीं किया। तो देखिए हमने पुअर क्रिकेट आज खेली है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें। देखिए ऑब्वियसली पेस तो ऑफ कोर्स फ़र्क था, इनके पाकिस्तान के बॉलर अच्छे पेस बॉलर्स हैं, और क्या नाम है इंडिया के भी अच्छे बॉलर्स हैं, उधर की विकेट का थोड़ा सा डिफरेंस था, आज थोड़ा बॉल लो रह रहा था, तो बॉलर ऑब्वियसली के दोनों टीमों में बहुत टॉप क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो डिफरेंस तो मुझे सेम ही लगा है। पाकिस्तान के थोड़े पेस अच्छी थी इनकी इंडिया से, मगर दोनों टीमों के पास टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलर है। देखिए अगर हमें बड़ी टीमों के साथ क्रिकेट मिलेगी तो ऑब्वियसली हम अच्छे ही होंगे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ बड़ी टीमों के साथ रेगुलर खेल के तो ऑफ कोर्स सीखने को मिलता है सब, एक दो मैच खेलने से तो इतना सीखता नहीं है जितना अगर आप रेगुलरली खेलते हो, तो ये हमारे लिए नहीं, ये पूरी एसोसिएट नेशन के लिए ये एक मसला है, और आई एम श्योर कि ICC इसमें देखे और ये क्रिकेट को बढ़ाने के लिए हमें बड़े टूर्नामेंट जैसे एशिया कप, पैन में टीमें ऐड और हो जाए, तो ये हमारी एसोसिएट क्रिकेट के लिए और ग्रो ऑफ क्रिकेट विल बी बेटर। थैंक यू।